मुझसे कभी भी मिल सकते हो. यू कैन मीट मी एनी टाइम. यू कैन मीट मी एनी टाइम. हमेशा अच्छा खाना खाओ. ऑलवेज ईट हेल्दी फूड. ऑलवेज ईट हेल्दी फूड. विद्यालय कभी भी देर से ना जाए. नेवर गो टू स्कूल लेट. नेवर गो टू स्कूल लेट. चुप रहना गुरूर नहीं है, सब्र है. बींग साइलेंट इज़ नॉट प्राइड, इट इज़ पेशेंस. बींग साइलेंट इज़ नॉट प्राइड, इट इज़ पेशेंस. काफ़ी देर से वह मेरा इंतज़ार कर रहा है. ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग. ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग. काफ़ी देर से आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं. यू हैव बीन इग्नोरिंग मी फॉर ए लॉन्ग. संभवतः बारिश होने वाली है. इट्स प्रोबेबली गोइंग टू रेन. इट्स प्रोबेबली गोइंग टू रेन. क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी स्नैक्स लाऊं? शैल आई ब्रिंग यू सम टेस्टी स्नैक्स. शैल आई ब्रिंग यू सम टेस्टी स्नैक्स. उसका शिमला घूमने जाने का मन कर रहा है. शी फील्स लाइक विजिटिंग शिमला. शी फील्स लाइक विजिटिंग शिमला. मेरा स्टोरी बुक पढ़ने का मन कर रहा है. आई फील लाइक रीडिंग ए स्टोरी बुक. आई फील लाइक रीडिंग ए स्टोरी बुक. बीच में बोलने के लिए माफ़ करें. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. मैं हमेशा सत्य का साथ देती हूँ. आई ऑलवेज सपोर्ट द ट्रूथ. आई ऑलवेज सपोर्ट द ट्रूथ. मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था. आई डू नॉट मीन टू हर्ट यू. आई डू नॉट मीन टू हर्ट यू. इस पर मेरी मिली जुली राय है. आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस. आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस. घर पहुंचते ही मुझे फ़ोन करना. कॉल मी वंस यू गेट होम. कॉल मी वंस यू गेट होम. उसे कभी मेरी परवाह नहीं थी. ही नेवर केयर्ड फॉर मी. उसे कभी मेरी परवाह नहीं थी. ही नेवर केयर्ड फॉर मी. क्या मैं इसे बदल या वापस कर सकता हूँ? कैन आई रिप्लेस और रिटर्न इट. कैन आई रिप्लेस और रिटर्न इट. अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो. डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी. डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी. वह अपनी नौकरी छोड़ने से डरता है. ही इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब. ही इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब. कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती. फ्यू थिंग्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. फ्यू थिंग्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे. वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू. वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू. तुम बहुत मोटी हो गई हो. यू हैव बिकम वेरी फैट. यू हैव बिकम वेरी फैट. वह काम करने में बहुत देर लगाता है. ही टेक्स टू लॉन्ग टू वर्क. ही टेक्स टू लॉन्ग टू वर्क. आज मैं वास्तव में बहुत खुश महसूस कर रही हूँ. आई एम फीलिंग रियली हैप्पी टुडे. आई एम फीलिंग रियली हैप्पी टुडे. उस खबर ने मुझे बहुत खुश कर दिया. दैट न्यूज़ मेड मी वेरी हैप्पी. उस खबर ने मुझे बहुत खुश कर दिया. दैट न्यूज़ मेड मी वेरी हैप्पी. फ़ोटो में वह बहुत खुश लग रही है. शी लुक्स सो हैप्पी इन द फोटोज. शी लुक्स सो हैप्पी इन द फोटोज. दोस्तों के साथ समय बिताने बहुत खुश करता है. स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स मेक्स मी हैप्पी. Spending time with friends makes me happy. मैं आपकी मदद करके खुश हूँ. I am happy to help you. मैं आपकी मदद करके खुश हूँ. I am happy to help you. वह आज खुश मिजाज लग रहा है. He seems to be in a happy mood today.
ही सीम्स टू बी इन अ हैप्पी मूड टूडे। तुम्हें इतना खुश देखना अच्छा लगता है। इट्स ग्रेट टू सी यू सो हैप्पी। इट्स ग्रेट टू सी यू सो हैप्पी। उस सरप्राइज ने उसे बहुत खुश कर दिया। दैट सरप्राइज मेड हर एक्सट्रीमली हैप्पी। दैट सरप्राइज मेड हर एक्सट्रीमली हैप्पी। मैं इस बात से खुश हूँ कि चीज़ें कैसे निकली। आई एम हैप्पी विद द वे थिंग्स टर्नड आउट। आई एम हैप्पी विद द वे थिंग्स टर्नड आउट। खुशी छोटी छोटी चीज़ों में मिलती है। हैप्पीनेस इज फाउंड इन द लिटिल थिंग्स। हैप्पीनेस इज फाउंड इन द लिटिल थिंग्स। तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना मुझे खुश करता है। सीइंग यू स्माइल मेक्स मी हैप्पी। सीइंग यू स्माइल मेक्स मी हैप्पी। मुझे खुशी है कि तुमने नौकरी पा ली। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट यू गॉट द जॉब। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट यू गॉट द जॉब। मुझे खुशी है कि हम पूरा दिन साथ बिता सके। आई एम हैप्पी वी कुड स्पेंड द टाइम टुगेदर। आई एम हैप्पी वी कुड स्पेंड द टाइम टुगेदर। तुम्हारे दयालु शब्दों ने मुझे बहुत खुश कर दिया। योर काइंड वर्ड्स मेड मी वेरी हैप्पी। योर काइंड वर्ड्स मेड मी वेरी हैप्पी। तुम्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करते हुए देखना मुझे खुश करता है। इट मेक्स मी हैप्पी टू सी यू अचीव योर गोल्स। इट मेक्स मी हैप्पी टू सी यू अचीव योर गोल्स। तुम्हें सफल होते हुए देखना मुझे हमेशा खुश करता है। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू सी यू सक्सीड। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू सी यू सक्सीड। उसका खुश मिजाज रवैया हमेशा सभी को खुश कर देता है। हर चेयरफुल एटीट्यूड ऑलवेज मेक्स एवरी वन हैप्पी। मुझे खुशी है कि हम मिलकर समस्या का समाधान कर सके। आई एम हैप्पी दैट वी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर। आई एम हैप्पी दैट वी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर। अपने प्रियजनों से घिरे रहना मुझे खुश करता है। बींग सराउंडेड बाई लव्ड वंस मेक्स मी हैप्पी। Being surrounded by loved ones make me happy. गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना। Don't use my phone even by mistake. Don't use my phone even by mistake. उसे ज़बरदस्त सिर दर्द हो रहा है। She has a splitting headache. She has a splitting headache. मुझे आज बुखार महसूस हो रहा है। I am feeling feverish today. मुझे आज बुखार महसूस हो रहा है। I am feeling feverish today. मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करना नहीं है। I don't mean to embarrass you. I don't mean to embarrass you. उसका मतलब तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं है। She doesn't mean to insult you. She doesn't mean to insult you. यह बहुत बुरा हुआ कि उसने उसे धोखा दिया। इट्स टू बैड दैट शी डिस्ड हिम। इट्स टू बैड दैट शी डिस्ड हिम। ये कहानियाँ मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक दीज स्टोरीज। ये कहानियाँ मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक दीज स्टोरीज। मैं जल्द ही ऑफिस पहुँच रहा हूँ। आई एम रीचिंग ऑफिस सून। मैं जल्द ही ऑफिस पहुँच रहा हूँ। I am reaching office soon. क्या आप हमसे कुछ कह रहे हैं? Are you saying something to us? क्या आप हमसे कुछ कह रहे हैं? Are you saying something to us? अपनी भड़ास मेरे ऊपर मत निकालो। Don't voice your frustration on me. Don't voice your frustration on me. इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। Don't let this chance grow from your hand. Don't let this chance go from your hand. उसने गाना कहाँ गाया? Where did he sing the song? उसने गाना कहाँ गाया? Where did he sing the song? लोग मिठाइयाँ खा चुके थे। People had eaten the sweets. लोग मिठाइयाँ खा चुके थे। People had eaten the sweets.
तुम्हारे साथ कहीं जाना ही बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू गो एनी वेयर विथ यू। इट इज़ यूजलेस टू गो एनी वेयर विथ यू। इसी कारण मैंने ये नौकरी छोड़ दी। दैट्स वाई आई रिजाइन दिस जॉब। दैट्स वाई आई रिजाइन दिस जॉब। हम उनके लिए कुछ सामान रख लेंगे। वी विल कीप सम स्टफ फॉर देम। वी विल कीप सम स्टफ फॉर देम। मैं कल रात उसके घर ही रुक गया। आई स्टेड एट हिज हाउस लास्ट नाइट। आई स्टेड एट हिज हाउस लास्ट नाइट। किसी का विश्वास जीतने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू विन समवनस ट्रस्ट। इट टेक्स टाइम टू विन समवनस ट्रस्ट। आज उसे खाली हाथ लौटना होगा। टुडे ही विल हैव टू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। टुडे ही विल हैव टू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। ये खाना मेहमानों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। दिस फूड इज मेंट फॉर गेस्ट नॉट फॉर यू। दिस फूड इज मेंट फॉर गेस्ट नॉट फॉर यू। वो मुझे चिढ़ा रहा है। ही इज पुलिंग फेसेस एट मी। वो मुझे चिढ़ा रहा है। ही इज पुलिंग फेसेस एट मी। तुम नहाते समय चिल्ला क्यों रहे थे? Why were you screaming while bathing? Why were you screaming while bathing? वो अच्छे दोस्त होने का बस दिखावा करते हैं। They only pretend to be good friends. They only pretend to be good friends. उन्हें एक बात पर सहमत करना असंभव है। It is impossible to make them agree. It is impossible to make them agree. ओह, तो तुम चेहरा पढ़ना जानते हो? ओह, सो वी हैव अ फेस रीडर हियर। ओह, सो वी हैव अ फेस रीडर हियर। तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है। वेल इट्स रिटन ऑन योर फेस। वेल इट्स रिटन ऑन योर फेस। ठीक है, लेकिन सावधान रहना, मैं जल्द वापस आऊँगा। ओके बट बी वेयर आई विल बी बैक सून। ओके बट बी वेयर आई विल बी बैक सून। क्या तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है? आई डेंट यू वरीड एट ऑल। क्या तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है? आई डेंट यू वरीड एट। काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो। यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर ए लॉन्ग। यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर ए लॉन्ग। शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। Perhaps I was a little too hard on her. Perhaps I was a little too hard on her. Naam liya aur shaitan hajir. Speak of the devil and devil is here. Speak of the devil and devil is here. Kaise kahun ki main nahi ja raha hu? How do I say that I am not going? How do I say that I am not going? मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। वह तुम्हारा बस स्टॉप पर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप फॉर ए लॉन्ग। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप फॉर ए लॉन्ग। मैं शुरुआत से सारे पाठ याद कर रहा हूँ। I have been learning all the lessons since beginning. I have been learning all the lessons since beginning. तुम तो बड़े समझदार निकले। You turned out to be very intelligent. You turned out to be very intelligent. शाम के लिए तुम्हारे कोई प्लान है? Do you have any plans for the evening? Do you have any plans for the evening? मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? आई नीड टू वेंट, कैन आई टॉक टू यू? आई नीड टू वेंट, कैन आई टॉक टू यू? क्या तुम मेरे साथ रात के खाने के लिए आना चाहोगे? डू यू वॉन्ट टू जॉइन मी फॉर डिनर? डू यू वॉन्ट टू जॉइन मी फॉर डिनर? चलो एक साथ ट्रिप की योजना बनाते हैं।
Let's plan a trip together. Let's plan a trip together. मुझे किसी बात पर तुम्हारी सलाह चाहिए. I need your advice on something. I need your advice on something. मेरे पास कुछ रोमांचक खबर है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ. I have some exciting news to share. I have some exciting news to share. मैं हमारी योजनाओं को लेकर बहुत उत्साहित हूँ. I am really excited about our plans. I am really excited about our plans. इस स्थिति को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? What's the best way to handle this situation? What's the best way to handle this situation? वक्त को कोई नहीं रोक सकता. No one can stop time. वक्त को कोई नहीं रोक सकता. No one can stop time. अगली गाड़ी कितने बजे खुलती है? What time does the next train leave? What time does the next train leave? तुम इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? How can you be so irresponsible? How can you be so irresponsible? समय व्यतीत करना ही पड़ता है. One has to pass time anyhow. One has to pass time anyhow. यहाँ तैरना बहुत खतरनाक है. Swimming here is very dangerous. यहाँ तैरना बहुत खतरनाक है. Swimming here is very dangerous. होनी को अनहोनी नहीं किया जा सकता. What is done cannot be undone. What is done cannot be undone. मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हो. I don't care who are you. I don't care who are you. उसने जैसा बताया था मैंने वैसे किया. I did it the way he told me to. I did it the way he told me to. मुझसे गोलमोल बातें मत करो. Don't talk clever with me. मुझसे गोलमोल बातें मत करो. Don't talk clever with me. मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया है. I have given up my dreams. मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया है. I have given up my dreams. तुम्हें मुझे इतना मस्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है. You don't need to butter me so much. You don't need to butter me so much. अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाओ मत. Don't hesitate to speak English. Don't hesitate to speak English. तुमने उसे समझाया नहीं था क्या? Didn't you make him understand? Didn't you make him understand? अगली बार तुम पूरी तैयारी के साथ आना. Next time you come with full preparation. Next time you come with full preparation. माँ के सामने चुप रहना. Be quiet in front of mom. Be quiet in front of mom. मगर हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए. But we shouldn't get angry. मगर हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए. But we shouldn't get angry. अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा. Now I won't spare those guys. Now I won't spare those guys. हम लोग कहीं बाहर चले. Shall we go out somewhere? हम लोग कहीं बाहर चले. Shall we go out somewhere? तुम उनकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती. Can't you even do this for his happiness? Can't you even do this for his happiness? मैं दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा. I will never trouble you again. I will never trouble you again. मैं उसे अपने घर ले जा रहा हूँ. I am taking her to my house. I am taking her to my house. तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा. You will also have to come with us.
यू विल ऑल्सो हैव टू कम विथ अस। तुम्हारा वहाँ रहना ठीक नहीं है। इट्स नॉट राइट फॉर यू टू स्टे देयर। इट्स नॉट राइट फॉर यू टू स्टे देयर। मैं गाड़ी चलाने की हालत में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू ड्राइव अ कार। आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू ड्राइव अ कार। मैं वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूँगी। आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हेन द टाइम कम्स। आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हेन द टाइम कम्स। मैं ये मरते दम तक नहीं भूलूँगी। आई वॉन्ट फॉरगेट इट टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। आई वॉन्ट फॉरगेट इट टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। आई हैव अ वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क विथ यू। आई हैव अ वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क विथ यू। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन माई वॉन्ड्स। डोंट ट्राई टू स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन माई वॉन्ड्स। मुझे ऊपर गर्मी लग रही थी। आई वॉज फीलिंग हॉट अप स्टेयर्स। मुझे ऊपर गर्मी लग रही थी। आई वॉज फीलिंग हॉट अप स्टेयर्स। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूँगा। आई विल फिक्स एवरी थिंग फॉर यू। आई विल फिक्स एवरी थिंग फॉर यू। इसलिए मैं बाहर खुले में आ गई। सो आई केम आउट इन द ओपन। इसलिए मैं बाहर खुले में आ गई। सो आई केम आउट इन द ओपन। कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। मुझे सुधारने का वक्त ही नहीं मिला आपको। यू डिडेंट गेट द टाइम टू रिफॉर्म मी। यू डिडेंट गेट द टाइम टू रिफॉर्म मी। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए। यू शुडेंट हैव कम हियर अलोन। यू शुडेंट हैव कम हियर अलोन। अब ये कभी कोई गलती नहीं करेगा। नाउ ही विल नेवर कमिट एनी मिस्टेक। नाउ ही विल नेवर कमिट एनी मिस्टेक। मैं उसका सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। आई विल नेवर लेट हर ड्रीम कम ट्रू। आई विल नेवर लेट हर ड्रीम कम ट्रू। उसने बहुत बहादुरी से उस काम को कर दिखाया। He pulled off that task with great bravery. He pulled off that task with great bravery. मैं इस किताब को सुबह से पढ़ रहा हूँ। I have been reading this book since morning. I have been reading this book since morning. फिर बाद में मत कहना तुमने फ़ोन नहीं किया। Then don't say later that you didn't call me. Then don't say later that you didn't call me. मैं इस शहर में 5 साल से रह रहा हूँ। I have been living in this city for 5 years. I have been living in this city for 5 years. समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। Needless to explain, I understand. Needless to explain, I understand. सब कुछ जानते हुए भी तुमने कुछ नहीं किया। You didn't do anything even knowing everything. You didn't do anything even knowing everything. समय समय पर हम पार्टी करने जाते हैं। From time to time we go to enjoy party. From time to time we go to enjoy party. तुम्हारी मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? How dared you lie front of me? How dared you lie front of me? फ्रिज बंद हो गया है। द फ्रीज हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। फ्रिज बंद हो गया है। द फ्रीज हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। तुम्हारी किताबें बिखरी पड़ी है। योर बुक्स आर स्कैटर्ड अराउंड। योर बुक्स आर स्कैटर्ड अराउंड। यहाँ बहुत शोर हो रहा है। इट इज़ वेरी नोइजी हियर। यहाँ बहुत शोर हो रहा है। इट इज़ वेरी नोइजी हियर। रसोई में पानी भर गया है। द किचन इज़ फ्लडेड विथ वाटर। रसोई में पानी भर गया है। द किचन इज़ फ्लडेड विथ वाटर। बाथरूम में फिसलन हो गई है। द बाथरूम हैज़ बिकम स्लिपरी।
द बाथरूम हैज़ बिकम स्लिपरी। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क। आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क। क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? हैव यू गॉट अ जॉब येट? क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? हैव यू गॉट अ जॉब येट? पुलिस इस मामले की जांच करेगी। द पुलिस विल लुक इन टू द मैटर। द पुलिस विल लुक इन टू द मैटर। काम के संदर्भ में आप कोई गलती नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट फाइंड एनी फॉल्ट इन टर्म्स ऑफ वर्क। यू विल नॉट फाइंड एनी फॉल्ट इन टर्म्स ऑफ वर्क। मेरे सामने हमेशा वो विनम्र रहता है। ही ऑलवेज रिमेन पोलाइट इन माई प्रेजेंस। मेरा बैग पुराना हो गया है। माई बैग इज़ वॉर्न आउट। मेरा बैग पुराना हो गया है। माई बैग इज़ वॉर्न आउट। अरे आराम से काम करो, कोई जल्दी नहीं है। हे टेक योर टाइम, देयर इज़ नो फायर। हे टेक योर टाइम, देयर इज़ नो फायर। उन्होंने ख़राब मौसम की वजह से मीटिंग रद्द कर दी। दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर। दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। यू कांट मेक एवरी वन हैप्पी। यू कांट मेक एवरी वन हैप्पी। तुम्हें सोच समझ कर वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर थॉटफुली। यू शुड गो देयर थॉटफुली। बात बात पर वह मुझसे झगड़ती है। शी फाइट्स विथ मी ऑन एवरी सिंगल मैटर। शी फाइट्स विथ मी ऑन एवरी सिंगल मैटर। मैं अपनी ज़ुबान की पक्की हूँ। आई एम स्ट्रिक्ट टू माई वर्ड्स। मैं अपनी ज़ुबान की पक्की हूँ। आई एम स्ट्रिक्ट टू माई वर्ड्स। मैं बर्गर खाने के लिए तरस रहा हूँ। I am craving for having burger. I am craving for having burger. मुँह मत लटकाओ। Don't pull a long face. मुँह मत लटकाओ। Don't pull a long face. क्या हम अब पूरी कोशिश करेंगे? Will we try our best now? क्या अब हम पूरी कोशिश करेंगे? Will we try our best now? मैंने उसे क्यों नहीं समझाया? Why didn't I explain to him? Why didn't I explain to him? मुझे उसने खुद बुलाया था। He called me himself. मुझे उसने खुद बुलाया था। He called me himself. मैंने सुबह की फ्लाइट मिस कर दी है। I have missed my morning flight. I have missed my morning flight.